हाँ आज ए अगरी बकरी तुम लोग हटाओ तब तो तुम लोगों का कुछ चना होना हम दे देते, और अगर बकरी लेके आई हो तो भैया हम कुछ ना देते। अरे घर जाए के टाइम इनका आगे बढ़ा दो। आज देखिए आज 3 दिसंबर 2012 है, ओ 3 दिसंबर राम राम, 3 जनवरी 2012 है। मैं रायबरेली से चल के यहाँ भंवरेश्वर आया हूँ, गाड़ी निकल जाने ये गाड़ी घर के 3 जनवरी 2012। तो 1 जनवरी को आपने देखा होगा कि साल का पहला दिन मैंने अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा, सन 2012 जो चिल्लाया जा रहा है उसकी मोहनी हो चुकी, अब भी लोग जागो, अब भी सोचो। इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश के, अरे भैया मिल रहा है ना, फल मचाओ, कहाँ 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 खोपड़ी खाए, अगली बकरी हटाओ सब किनारे। मुख्यमंत्री बहुत दूर से मत बनाओ, थोड़ा करीब से भी बना दो, जोर जोर चिल्लाना पड़ेगा, मुख हमारा चेहरा आवे, हमारी आवाज़ आवे, बाद में गाड़ी आ जाएगा। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को, उनके कार्यों को मैं मन से प्रणाम करता हूँ। भारत की सबसे भाग्यशाली राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने गोहत्या पर कड़े कानून के बनाने की जो संतुष्टि दिया है, उस भारत की सबसे भाग्यशाली वो राष्ट्रपति हैं। और इस काम को गति देने वाले मध्य प्रदेश के, आइए बाबा जी यहाँ खड़े हो जाइए किनारे, आप इधर आइए, आप इधर आ जाइए, हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उन्होंने बड़ी तपस्या करके गोहत्या पर बहुत कड़ा प्रतिबंध लगवाया है, वो सबसे भाग्यशाली भारत का वो मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के, वो सबसे भाग्यशाली है। यह ससरा कहाँ अंदर जा रहा है, मधुमक्खी जा रहा था अंदर, सबसे भाग्यशाली मुख्यमंत्री, दुर्भाग्य है हमारे उत्तर प्रदेश का। अरे ये कानून पूरे देश में लगाओ यारो, अब वक्त आ चुका है। साल का पहला दिन देखा आपने, हाँ प्रभु, साल का पहला दिन कितना प्रलयकारी था। कल रात में भी सुनाई पड़ा है, लोग बताते हैं कि भूकंप के कहीं कहीं झटके आए हैं। भूकंप तो आ गया, तो अभी नोटिस है ऊपर वाले का, 2012 के पहले दिन सब कुछ आपने देखा, 12 आ गया 12। अब भी सोचो, अब भी समझो, अब भी चेतो। तो सन 2012 में देश जब से आजाद हुआ है कितने मुख्यमंत्री आए मध्य प्रदेश में, और फलाने फला पर जितने भी प्रदेश हैं, ये सबसे पहला मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। मैं उनके कार्यों को, उनके विचारों को, उनकी तपस्याओं को मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वो भारत का पहला व्यक्ति होगा जो कि आने वाले समय में, अगर दुनिया कायम है, तो शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री बनाने में ही कल्याण होगा, वो पूरे भारत में कानून लागू करवा देंगे। तो हम वाणी को विराम देंगे, अभी रायबरेली वापस जाना है, अब हम परिचय बता रहे हैं। हमारे साथ लालगंज के कौन से गांव के हैं भाई? सरेनी सतवा खेड़ा। अच्छा, आप इधर आ जाइए, अब बाबा जी खड़े रहिए। आपने टेम्पो निकलवाया है नया, तो सतवा खेड़ा सरेनी ब्लॉक, ब्लॉक सरेनी होगा, ब्लॉक सरेनी सतवा खेड़ा, वहीं के हंसराज जी हैं वर्मा, इन्होंने नई गाड़ी निकाली, अभी गाड़ी ठीक से फिटिंग फिट भी नहीं है, फिर भी मैदान में कूद पड़े। खैर किसी तरह धक्का परेड में, क्योंकि अब नई नई गाड़ी है, पूरा सिस्टम जानकारी नहीं है,
खैर बंदर भोज करना था, वरना तो रास्ते में अब तक हम लोग कहीं पड़े होते। ये हनुमान जी की कृपा थी, उन्होंने बड़ी मदद की है। हम लोग भौरे सुर आ चुके हैं और यहाँ अभी बंदर भोज शुरू करेंगे, और इसके बाद में हमारा एक यही संदेशा है कि हर आदमी आज की तारीख से मांस मदिरा त्याग दे, वरना ये भूकंप जो आने आया है ना, ये नोटिस है। अब मांस मदिरा भैया ये सन 2012 में ना खाओ। अरे मुख्यमंत्री चौहान ने पूरे भारत को बचा लिया है। गोहत्या के ऊपर बहुत कड़ा कानून लग चुका है, 7 साल की सजा और 10,000 रुपए की कितना जुर्माना होगा। गोवंश चाहे बैल मारो, चाहे बछवा मारो, चाहे गैया मारो, अगर उसकी हत्या में आप पकड़ गए 7 साल। और केवल मध्य प्रदेश को ये नसीब हुआ है, ये दुर्भाग्य हमारे यूपी का, ये रामकृष्ण की धरती है, काशी नगरी, अयोध्या नगरी, मथुरा नगरी, सारी नगरी तो यहाँ है, यहाँ होना चाहिए, वरना बगले में बैठे रहोगे ये तुम्हारे पुलिस वाले, हमारे जितने भी नेता हो चाहे अधिकारी हो, कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। लोग बहुत जश्न मनाए थे ना रात में 31 दिसंबर के, कब जश्न मना, कब दारू चला, मैं टीवी पर देख रहा था, और 1.5 घंटे के बाद रात में 1:30 बजे वो भगवान ने प्रलय शुरू किया है कि एक दिन में हिला के रख दिया। एक दिन में हिला दिया कि नहीं महाराज? प्रलय हो गया एक दिन में है? अगर वो 2-3 दिन लागू हो जाता तब क्या होता, क्या नहीं होगा? होगा, इसलिए मांस मदिरा से लोग हाँ हाँ जोड़ो। अब लोग कहेंगे बकरी कहाँ हुई है, हम कहते इतने मुसंगना पैदा हो, इतने पिलवा पैदा हो, तुम सारे ठेका लिए हो, कहा है कहाँ हुई है, इसलिए त्याग करो भैया, अगर बचाना है, वरना जो आदमी जहाँ रेल चली जा रही तो चली जा रही है, रेल टकराएगी, सब करोड़ों आदमी मरेगा, अब कुत्ते की मौत मरेगा, मकान गिर गया, दबे हैं 4 दिन 5 दिन भूख के प्यास से, उसी में नहीं निकल पाएंगे और मर जाएंगे। कुत्ता तो फिर भी 2 मिनट में मरता है, कुत्ते से बदतर मौत हो सकती है। लिहाजा मेरा निवेदन है कि मांस मदिरा का अब लोग त्याग कर दो, कम से कम 1 साल के लिए मत करो, 1 साल के लिए त्याग कर दो, और किसी को सताओ मत, बस खामोश आवाज न हो, और किसी को तकलीफ मत, किसी को आराम दो तो तकलीफ न दो। तो अब हम बंदर भोर शुरू करेंगे, और आप कैमरे को एक बार ऐसे ऐसे घुमा दीजिए ताकि सबका आ जाए एक निशानी में, आप लोग बल्कि इधरे आ जाइए, क्यों कैमरा धूप के आ जाएगा तो उसमें कुछ नहीं आएगा। आप थोड़ा इसे आओ भैया, इधर आप लोग आ जाइए, सबको इधर आ जाए, मेरा टाइटल मैं रायबरेली जनपद में, ये भौरेसुर है और सड़क के उस पार लखनऊ जिला है, उन्नाव नदी के पार है, 3 जिलों के यहाँ बॉर्डर पर मैं खड़ा हूँ, इसे भौरेसुर कहते हैं। यहाँ 2000 बंदर हैं अलग अलग टोलियों में, और यहाँ पर शंकर जी का मंदिर है, वो स्वयंभू हैं शंकर जी, उनकी स्थापना नहीं की गई थी, अब भंवरे निकले थे, औरंगजेब ने तोड़वाने का ऑर्डर दिया था, अब भंवरे करोड़ों निकले थे, भगदड़ मच गई, कितने सैनिक उनके मर गए, तब जाकर के समझिए इसका नाम पड़ गया भंवरेसुर। राजा सुदौली कुर्री सुदौली के ये स्टेट में है, करोड़ों का मंदिर है। बंदर भोज के बाद मैं मंदिर का सीन आपको दिखाऊंगा, आप थोड़ा इधर भी घुमा दो ना, इधर पब्लिक इधर खड़ी है, तुम एक एक ऊपर साधे हो तो साधे हो, इधर घुमाओ, धीरे 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 ऐसे घुमाओ, और बंदर भोज में मत घुमाना, तो टीवी चैनल वालों ने मना किया है, एक संदेशा है, हाथ का जितना बाबा साधु सन्यासी संदेशा देता है, कहता लाओ लाओ, यहाँ लाओ कुछ नहीं है, जो कुछ है ये सब बजरंग बली ही हमारी व्यवस्था करते हैं, ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है, तो कम से कम भगवान की सेवा तो भाई करो, क्यों महाराज भगवान की सेवा जरूरी है कि नहीं भाई, पूजा हर आदमी करते, इधर देखो हाँ कर्म ही पूजा है, इधर जाओ अभी अभी अभी, अभी जल्दी हटाओ बढ़ाओ, ये चैनल वालों से मतलब नहीं है। देखा बाबा जी ने भी कहा कि कर्म ही पूजा है, सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, यही पूजा है, हमारा मतलब है कि सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा सत्कर्म
क्या है? सेवा। कोई भी सेवा करो, चीटी खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, गरीब बच्चों को खिलाओ, सेवा करो। निस्वार्थ होना चाहिए, और नहीं तो भैया तैयार हो जाओ। अरे कुत्ते तो दो मिनट में मरते हैं गाड़ी के नीचे, लेकिन अगर मकान गिरा तुम्हारे ऊपर और दबे पड़े हो तब तब क्या होगा उस समय? सोचो, वक्त बहुत बुरा आ चुका है। मन छोड़ो, मदरा छोड़ो, अब कम से कम झूठ बोलो। एक से एक हमने देखा है पढ़े लिखे विद्वानों को, वो झूठ पर झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना बंद करो, वरना बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे। कोई बाबा कोई मंदिर तुमको नहीं बचा पाएगा, है ना महाराज? कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। बाबा जी का यही कहना है। क्यों महाराज? बात सही मैं कह रहा हूँ ना? झूठ बोलना लोग बंद कर दें। अब आप भी कुछ कहना चाहें तो कहें जल्दी। अगर झूठ बोलना बंद कर देंगे तो फिर आप रास्ता पा जाएंगे। हाँ। नहीं तो रास्ता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हाँ। देखा कितनी सही बात कहा। हाँ। कुछ भी करो ऐसा है कहा तो जहाँ जहाँ लागी अन्न का ढेरी सब बैठे घेरी आरती अन्न देव तुम्हारी ओ जाते देही पली हमारी जलपति ते उत्पति संसारा ओ नरक निरंजन स्वामी नाम तुम्हारा। बोल दे भोरेश्वर बाबा की जी जय। तो अब हम वाणी को विराम देते हैं, कैमरे को आप जारी रखिएगा, आरईसी दबा है ना? ठीक। झोले को हम आपको दिए देते हैं, झोला यहाँ बगल में टांग दीजिए। आज तो तुमका चेला बना दी महाराज। ठीक है ना? अब आप झोले से सामान ले आइए, हम बंदरों को पहले देना शुरू कर दें। अच्छा, हम हाँ महाराज, अब आज उसी कोई सामग्री भी नहीं है। अरे एक दिन बैठ गया है बांदर ऊपर और झोल बाबा देखने नहीं परसों ने। हम्म, आओ इधर आओ इधर। हाँ बुलियारी कहाँ चले रही है? चलो चलो बुलियारी एकदम करीब से बनाना। इसलिए बाबा कहाँ देखा करते हैं? बाबा कहाँ? बाबा के सब लिए हैं केला चापा रहे बाबा। देख लीजिए क्या धंधा है बाबा। बाबा के ऊपर लद गए सब भाई
भैया अरे जाबे देख लो जहाँ तुम तो मन करो तहाँ वही अब जाते हाँ जल्दी से अब दोनों ही में देखो सार मूत रहा बगड़े में यह है हनुमान जी की असली पूजा। ऐसी पूजा से बड़ी सिद्धियां और साधना प्राप्त होती है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का मैंने जाप किया है और अपने इलाके में अगर वो बंदर भोज करेंगे उनको देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इससे हम साधु का वचन 49 दिन मैंने गंगा जी के नाम से अनशन किया 49 दिन अकेले। तो हमारे इस सीढ़ी देखने के बाद हमारे चौहान साहब वास्तव में उन्होंने चौहान शब्द को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री उनको बनने से कोई नहीं रोक पाएगा यदि अगर वो बंदर भोज इसी प्रकार से अपने इलाके में करवाते रहे। बंदर भोज करें और बाल भोज करें सारे कर्म होते हैं। देखिए कितने बंदर सह गए रहे देख रहे हैं। कोई दाढ़ी नोच रहा है कोई बाल नोच रहा है काटते नहीं है लेकिन अब वो हबस में खाने के नाम पर। तो अभी माल देखिए जब तक माल खत्म नहीं होगा तब तक हटेंगे नहीं। तो ये रोटी का हुआ है बेल रहा है रुक जाओ भैया बदमाशी मत करो हटो 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 हमरे बिल्ली हम ही से न्याऊ यानी हम ही का काटे दौड़ रहे। हाँ इधर बनाओ हो इधर बनाओ बन चुका। अच्छा साहब अब चना है ना है? लाओ लाओ बाल्टी उठा लाओ हम चला आगे बढ़ाओ तुमका हम दे बैठो छप्पे जैका देखो फसल रुकी ही पकड़ देखो अगर बंदर रहे तो उसको सुना दिया ये देखो ये हटा बकरी का हटाओ एक का जगह ना डालने की तो सिलाई है और सब कुछ खिलाते रहा देखो अरे यार इसका हटाओ मुल्ला जी का यार कैसे बकरी यार हाथ ले जाओ बकरी को दूर दूर तक ले जाओ दूर तक हाथ ले जाओ इसका हम अपने अंदाज से सही
एक काम करो यार, इसको उठाओ, घोड़े को उठाओ, उठाओ यार, पटक दो उसे। चक्कर नहीं, 10 घंटा खिलाओ तो हम जल्दी कर लेंगे। तो तुम्हारे चक्कर में 4 बंदा तो हमका दबोच ले। देखो हमारी नहीं लौटे, देखो बकरी सब आ गई। देखिए हराम दादन को हमको देना ही नहीं, कहाँ की बकरी है किनारे है, यही हमारे सारे। क्या देखो बकरी साथ बन रहे हो भाग गए। अरे यार तुम भी थोड़ी मदद कर लो बकरी भगाने में। बकरी भगा दो, हंसराज बकरी को मारे यार, बकरी को मारो, भगा यार, मारो मारो इसको, इसको दौड़ा ले जाओ दूर तक, दूर तक ले जाओ। मारो तुम बकरी, बकरी करो बाबा जी एक पर्ची लिख दे, निकालो थोड़ा हमारी हो ऐसी। ढोले में पानी भरा, देखो कहाँ चना गिरेगा, मिट्टी मिल जाएगी, चना बेकार हो जाएगा। पता नहीं कैसे सुझाओ के अभी 5 किलो चना था, 5 किलो चना। कहा गए यार कि बकरी का डंडा मार के भगाओ, तुम खड़े होके देख रहे हो साथे आ रहे हैं, उनका का भगाओ, का भगाबे लाओ। अरे तुम यार कर रहे हो, लाओ तो हम बंदर भी खिलाई, हम बकरी खिलाई। भाग गई कि नहीं बकरी, भाग गई है, जाके निपोर रहे हो खाली से। थोड़ा झूठ बोलना कम बंद करो। हम गाड़ी 5 किलो रोटी रहा है, 5 किलो आटा रहा है। रोटी तो 5 किलो ना, रोटी को ये 3 किलो 5 किलो आटा का लगा तो बता रहा है 5 किलो है, इसीलिए हमने घर में नहीं लिया। चना का पूछो, चना का अब यहाँ 2000 बंदर को क्या दें अपनी दाढ़ी नौचुआ में। रोटी तो हम अब कम रहा, रोटी हमारे पास, हमारा रोटी कम रहा। चना कौनो हो वजन की दुकान खरीद के आए कि कौनो ऐसे आए हैं, आओगा फिर बाबा बता ना, पूरा 5 किलो तौला हुआ चना है। हम कैसे मान ले 5 किलो इतना होता बाबू, 5 किलो तौला हुआ है, 5 किलो रोटी है। अरे इनका बोलेगा, अरे चुपचाप बोल सुन। ये देखो ये बदर बदर पानी, ये देखो यानी सब पानी ही पानी भरा है। कैमरा सूरज की तरफ मत रखो, कैमरा हमेशा अपोजिट घूम के खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। दे जाओ हमारा, दे जाओ कहाँ दे जाइए। ये देखो यहाँ पानी भरा है झोले में। अरे हटो भैया, यही ना सारे बंदर कहो आ जाए। बहुत बड़ी बात है, कहाँ बकरी हटा, ओ कैसे हटाई, अरे हम बकरी हटावा भी नहीं हटावा। अरे हम जहाँ देखो रहे हो तो वहाँ खिला दीजिए जरा।
पानी भरा सब सब मिट्टी मिल रहा है वो खा खोले आ जा खा नहीं आ जा ठीक है ये या पानी दो क्या दे चना आ जा बार में नहीं झाटे छपी नहीं भो कर माता चोर ने प्रचार मत किया हमारा प्रचार ऐसा बड़े बड़े लोगों ने यह देख यह पानी पर 5 किलो चना इसीलिए हमने दिया नहीं चना रहा 5 किलो बता रहा तोल के लाया दुकान से खरीद के लाया है। अरे तो रोटी तो होती 5 किलो आटे की हम निकाले थे रोटी हम 5 किलो नहीं 5 किलो आटा लगाते लेकिन 3 किलो को निकाले नहीं तो फिर क्यों आखिर हमसे झूठ क्यों बोला जल्दी जल्दी मारा है हमका गाड़ी देर हो रही थी हमका चलो जितना खिलाओ वहाँ से ले लेते यार हम सौदौली में ले लेते सामान चलिए ठीक हो गया आधे बंदर पाइन आधे बंदर नहीं अरे हमने सोचा थोड़ा एक एक मुट्ठी बच्चों को भी दे दे चलिए हो गया काम रह गया कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है नहीं तो क्यों ऐसा होता हमको बोलो ना कि बाबा जी इतनी सी झाड़ भर के ले चल रहे हैं हम वहाँ इंतजाम कर लेते यहाँ सकल के तमाम बच्चे रह गए सब अब हमसे कहने इसका सामान है यहाँ भर के तीसरी चना तीसरी रोटी लेके आए हैं गाँव मना ठीक बाबा अफसोस होता है अब एक भी बच्चों को अगर नहीं दे पाए तो हमको बड़ा धक्का लगा इस बात चलो वहाँ प्रसाद खरीद लीजिए नहीं तो बाबा चना तो रहा है 5 किलो तो अरे 5 किलो चना रहा तो 5 किलो आटे की रोटी भी तो चहित रहे कम से कम ये हमसे बताए होती है भरे यहाँ सामान लगा है बोरियन में हम ले लें चना में हाथ के पुला है तौले चना चलो हो सके चना रहा हुआ 5 किलो एक बात बताओ ए ये बताओ जितना चना नहीं लावा जा पानी पानी से डाल के ना देने बाल्टी हटा दे ये मैं नीचे के बोरी बोरी में डाली जात है ना पहले तरीका जान लो ना अभी सब हां वो बात तमाम मिट्टी बेचारे भूख से मर रहे हैं और माटी से खाई ना बाबा ये बंद अभी रुक जाओ बंद तो बंदर भोज हो गया जैसे तैसे थोड़े से सामान में मन को समझाना पड़ा मालूम होता हम अपनी व्यवस्था करते खैर तो अब हम लोग मंदिर जाएंगे मंदिर में आप लोग भी जाएंगे बहुत तगड़े में हाथ मिलाएंगे भगवान से अरे काम करो भगवान यही भगवान की पूजा है यही भगवान की महापूजा है बंदर भोज से बढ़ के न तो शंकर जी की पूजा है न हनुमान जी की पूजा है मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ सेवा करो तुम्हारा बेटा भी वही काम करे खाना न दे तुमको है अब पिताश्री का मुखार बिंदु चरणा बिंदु वो खाली बिंदु लगावे झेलेंगे आप नहीं झेलेंगे इन लोगों ने हमको गफलत में रखा हमने कहा होगा सामान भाई हम नहीं लिए अब थोड़े से सामान में किसी तरह हमको निपटाना पड़ा और हमेशा आना चाहिए सुबह क्योंकि ये बकरी बकरा है बड़ा बवाल रहता है यहाँ सुबह आकर के या शाम को आइए शाम को आके सुबह हमें आकर के जब बकरी उकरी की झंझट ना हो आप इधर देखाइए कितनी बकरियां हैं अरे बकरी तो पट्टी भी खा लेती है बंदर थोड़े पट्टी खा के रहेगा अब उनका जितना ममाल मत्ता बचा खुचा है सब लगी हैं जटी हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए खैर चलिए हर आदमी वही यही चाहता है कि काम बन जाए तो इसीलिए हम तो दुनिया को बोल रहे हैं झूठ मत बोलो हमेशा लोग झूठ बोलते हैं अरे सही बताओ कि महाराज इतनी रोटी लिया है वहाँ केवल नौटंकी करने के लिए तो हमारे पास तो बोरों में माल रखा है भाई बोरों में है बोरिया में नहीं बोरों में है अभी जो दरोगा जी है गदागंज वाले आजकल सीतापुर चले गए हैं अभी आ रहे 24 दिसंबर को 2000 रुपये दे गए हमने कहा महाराज पैसा हम नहीं लेते हैं हमारे आगे दिक्कत है हमको कहें महाराज हम तो बाहर जा चुके हम दरोगा एक उनका बड़प्पन देखिए बड़े दरोगा हैं 2000 दे गए तो हमारे पास अब रुपया पैसा सामान सब धरा है हमको खाली पता तो लगे बता दिया गया कि साहब इतना ये तो हमने कहा क्या फालतू मैं क्यों ले जाऊँ उसमें अपनी भी रोटी हमने अपनी मिला दिया था इसमें हिंदू के तरफ से हमारी जो बड़ी बेटी है उसका इतना छीला हुआ बढ़िया मटर का दाना आ गया और इसमें 11 रुपये की रोटी डाला था तुमने ना डाला हो तो बता दो सही सही भूल गए होगे खैर
इनसे गुलजारी से कहे हाँ सब हो जाएगा, अभी गुलजारी को अभी इनको अभी इनको सबक अभी सीखना बाकी है, इसीलिए झूठ पर इनकी ये आदत है बिला वजह झूठ बोलना। अब हमारी बेटी के नाम से हमको